इज़ एन एस आर बी लाउंज एंड गुड मॉर्निंग एंड ये है जी ब्लेस फ्राइडे और फ्राइडे का दिन है और बच्चों का ऑब्वियसली पेपर था, स्कूल जाना था और यहाँ मैं उनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, लंच प्लस ब्रेकफास्ट यहाँ पर बन रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी एग बीट कर रही हूँ क्योंकि एग जो है आपको पता प्रोटीन होता है तो वो देना भी बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों को उनकी डाइट मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं एग कर रही हूँ, साथ में मैंने फिर जो है ना कर लिया था सैंडविचेस बना देने थे, सिंपल इजी आजकल यही वाला काम शुरू किया हुआ है मैंने। और लास्ट टाइम मैंने बिस्किट्स बनाए थे तो बच्चों ने सारे फिनिश कर लिए थे। तो अभी जो है आज जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ बस जल्दी से ये देखें ऑमलेट बनाया मैंने, उसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है, जस्ट नमक एंड ब्लैक पेपर ऐड किया है, दैट्स इट। ब्लैक पेपर भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है, नमक मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था थोड़ा सा करके। तो आप देख रहे हैं बस ये जो सिंपल सा मैंने प्रोसीजर यूज़ किया और उसके बाद मैंने ब्रेड्स के आज स्लाइसेस भी कट नहीं किए। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज तो स्लाइसेस, मैंने कहा कि आज मुझे ऐसा लगता था कि स्लाइसेस कट करने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने इसको फिर क्योंकि आज ब्राउन ब्रेड नहीं थी, ब्राउन ब्रेड को जो है दूसरी मैदे वाली कॉर्न फ्लावर वाली जो होती है ना ऑल पर्पज़ वाली वो थी सिंपल, तो उसी से मैंने बनाया। यहाँ पर बस बच्चों का ये जल्दी से ऑमलेट बना और फिर इसको मैंने स्लाइसेस में लगाया, मायोनीज जस्ट मैं क्रीमी मायोनीज जो आजकल यूज़ कर रही हूँ ना बस वही लिया था। तो वो ये है कि आराम से जो है ना उसमें लग जाता है। ये देखिए मैंने बस अब ले लिए स्लाइसेस और फिर इनको जस्ट करके और इसमें लगा दिया। वेजिटेबल्स वगैरह लेते हुए आएंगे और बच्चे स्कूल जा चुके हैं पेपर हम। सो जी अब हमने करना क्या है, नाश्ता बनाना है। मैंने नाश्ते में बोला है कि मेरे लिए ब्रेड ले आए, मेरा खाने का दिन चारा रोटी। सो देखते हैं कर ले आते हैं, अगर याद रहा हमको पकाया वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है कुछ पकाना है तो वहाँ से चीज़ें लेकर आनी है। सो मैं बस इसको अभी क्लीन करती हूँ, मतलब जो जो जहाँ जहाँ की चीज़ें हैं वो रखती हूँ। माशाल्लाह से फ्रिज शुक्र है सही हो गई है, वरना तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। ईद पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा हमारा, अब मच बेटर, ठंडा कूलिंग वूलिंग कर रही है। सो अभी बस रूम की हालत आप देख सकते हो कितनी ख़राब हो गई है, बस मैं नाश्ता वाश्ता बनाने लगी हूँ। उसके बाद आज फ्राइडे है वैसे भी और बच्चों को जल्दी भी लेने जाना है तो ये सारे सारे काम है। तो मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर जो भी रूटीन होगी आज की आपके साथ शेयर होगी। ज़्यादा व्लॉगिंग्स नहीं हो कर पा रही, व्लॉग इसलिए ज़्यादा नहीं बन पा रहे क्योंकि बच्चों के हैं पेपर और जो बच्चों के पेपर होते हैं तो सारा स्पेशली मेरा तो माओ का यार बच्चों को होता है तो खुद पढ़ाना होता है तो इसलिए ज़्यादा फोकस करना पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो बस इसीलिए फिर उस टाइम पर वीडियोज़ वगैरह नहीं बनती क्योंकि पढ़ाने में बिजी हो जाते और वीडियोस बनाएं तो फिर पढ़ाई रह जाती है। देखें बुक्स ऐसे की ऐसी ही पढ़ी हैं और क्योंकि बच्चों की स्टडी वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन एनीथिंग एल्स। सो बस अभी बनाते हैं अंडे शंडे हम और नाश्ता कराती हूँ मैं और कोई भी चीज़ नहीं है, मैंने सालन भी नहीं पकाया था, कुछ भी नहीं बनाया कल भी बस था रात। कल के ब्लॉग में भी आपने देखा ना मैं अंडा बस बना के और नाश्ता करा दिया, वो रात का खाना भी खिला देते नाश्ते में भी अंडा, रात में भी अंडा, अंडा ही अंडा। सो अभी बस जल्दी से बनाते हैं। हियर इज़ द ब्रेकफास्ट माय ब्रेड एंड हियर इज़ माय हाफ फ्राई एग एंड विद ऑमलेट एंड हियर इज़ माय हबीस पराठा। Here's my tea, here's hubby's tea.
with Jishanda and I don't like the Jishanda flavor at all. So मैं जो हूँ ना उसमें नहीं डालती हूँ Jishanda और इनके में डाल देती हूँ. और ये हमारा नाश्ता, हम नाश्ता करने वाले हैं. Let's start eating the breakfast. तो ये देखें हमारा सब्जी पानी. और अभी मैं सर्फ लेकर आया हूँ कपड़े धोने के लिए, लेकिन आज नहीं, कल मेरा मूड है. ये देखें ये मेरा हो गया पीने का पानी गर्म. और यहाँ भिंडी मैंने कट करके रखी थी, तो इसको भी जल्दी से पका लूँगी. और कुछ जो है ना मैं साइज़ वाली ये वाली, तो इसको मैं कट करके फिल वाला शॉफॉर्म में बनाऊँगी. मेरा मूड है तो इनको भी अलग कर लेते हैं कुछ, ठीक है, जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी है ना उनको थोड़े अलग फॉर्म में बनाने का इरादा है. और कुछ जो है ना मेरा अलग फॉर्म में करने का इरादा है, जो सिंपल बनाते हैं हम बाकी उसी फॉर्म में बनाएंगे, और जो कुछ है ना इसमें से वो हम अलग से बनाएंगे. जो थोड़ी थोड़ी मतलब फुल भरी हुई जो भिंडी होती है ना वो वाली, वो फिलिंग करके ना चाट मसाले वाली अच्छी सी यमी सी, और फिर कट लगा के और फिर बनाऊंगी मैं, ठीक है. ये इतनी काफ़ी है, इसको अलग कर लेती हूँ, इनको कटिंग वटिंग करती हूँ. बच्चे लेकर आ गई हूँ, दोनों को, दोनों आ चुके हैं और खाना वाना बनाना है बस. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना. तो जी यहाँ पर बस भिंडी बन गई है हमारी, जो हमारा टिपिकल स्टाइल है उसी में बना रही हूँ बस. और फिर मैं बनाऊंगी अलग स्टाइल में ज़रा, जो कि मैंने फिंगर कट करके रखी है लाइक दिस. और फिर मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है. फिर रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ. इसको कट लगा के इसे मैं फिलिंग करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी. सोज यू लाइक दिस, मैंने ना इसको उस तरह से कट करना है सेंटर में से, ठीक है. फिर मैं इसकी फिलिंग्स कर लूँगी. और फिलिंग में आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हो. मैंने ना चाट मसाला ऐड करना है, थोड़ी सी टेस्टी सी बनानी है इस तरह से कट करवा के.
यहाँ पर जो है ना मैंने एक नई रेसिपी बनाई थी कि भिंडी को कट लगा के इसको मैंने फिल किया है, ठीक है, सारों को कट लगा लिया। आप चाहें तो इसको ऊपर से भी कट ना करो, पूरा का पूरा रख लो। और उसके बाद जो है ना ये चाट मसाला लिया मैंने और उसको मैंने इस तरह से फिल किया। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसका बना था और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा। अच्छा, मेरा कुछ दिल चाह रहा था कुछ चटपटा सा बना के खाने का, तो फिर मैंने दोपहर में ना स्पेशली फिर लंच भी किया था इसके लिए कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। बना देखने में इतना अच्छा लग रहा था तो बना भी बहुत मज़े का था। सो ये मैंने इसको इस तरह से फिलिंग कर ली थी, सारी जितनी भी भिंडीज थी ना, ओकरा, उन सबकी मैंने इस तरह से फिलिंग की थी अच्छे से चाट मसाले के साथ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑयल लगा लिया है, ठीक है, और मैं इन सबको पहले फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर हम मसाला बनाएंगे और उसके अंदर इसको रख के और जो है ना हल्की वाली दम वाली आंच पे इसको भाप पे इसको कर लेंगे, ठीक है। आज हम फ्राई भिंडी स्टाइल में बनाने वाले हैं इसको इस तरह से। तो पता है जुम्मा है इसलिए अजान और नात वगैरह चल रही है पीछे, आप लोग भी सुने इंजॉय करें। मैं जब तक खाना दोपहर में इस वक्त बना लेती हूँ क्योंकि आपको पता है बहुत गर्मी हो जाती है इसके बाद और बच्चों के पेपर्स हैं तो टाइम नहीं एडजस्ट होता शाम में, फिर बच्चों को करवाना होता है, इसलिए दैट्स द रीज़न। बस फ्राई करेंगे इसको हम। आप इसको सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ या प्याज बना के उसके साथ फिलिंग भी कर सकते हैं, चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जस्ट इसमें किया है। तो ये मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया और जो मसाला बचा उसको निकला है ना वो इसके अंदर ही है, ठीक है। तो मैं स्पाइस है ना तो और बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, जस्ट मैंने ग्रीन चिली जो है ना वो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही कर लिया। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया और इसके साथ ही मैंने एक अदरक ग्रीन चिली को भी ये डाल दूंगी। आप इसमें कुटा हुआ धनिया जीरा वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, मेरा जीरा सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है तो मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया और सिर्फ गरम मसाला ऐड में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा। थोड़ा सा कलर हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेरा एक अदरक टमाटर। So finally I am putting this ठीक है जी, मसाला तैयार हो गया है, एक्सेस ऑयल भी निकल गया और ऑयल क्या उसी में बस बनाया जो हमने लिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया हमने, ये देखें, ठीक है। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, थोड़ी एक्सेस हो गई थी और मुझे इस तरह के खाने का मन हो रहा था, सो मैं इसको कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे करके और उसकी भाप से थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगी चीज़ें इसके अंदर, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। सो जी ये मेरा दोपहर का लंच है, आज मैंने ये बनाया तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खाऊं भी, बहुत ही मज़े का टेस्टी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप भी। तो मैं जल्दी से खाना खाते हैं, जाने वाले फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, बच्चों को सुलाना है, वो भी करते हैं। ये दूसरा वाला सालन भी तैयार है मेरा, बस उसको मैंने दम पे रखा है तो थोड़ा सा हो जाए और। सो जी रोटियाँ बन गई हैं, मैंने कहा आटा पहले भूनने के लिए रख लूँ, बस को मैं थोड़ा सा करके ना तो छोड़ दूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से बोल लेती हूँ ना। मुझे आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है, मेरा हस्बैंड बहुत क्लास का आटा गूंदते हैं लेकिन वो इक्का दुक्का दफ़ा कभी ना सालों में जब मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब
और अभी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आई कि मेरा मूड नहीं बना, कहते चलो आप मेरे को सिखा दो जैसे फ़न के लिए बस ना जैसे। अच्छा अभी जो है ना मैं आटा गूंथती हूँ, फिर बस खाना वाना सर्व करूँगी, सालन गर्म होने के लिए रख दिया, रोटी बन चुके हैं बाकी निकाल भी दिया, और ये है मेरा सालन, इसको भी मैं भी निकाल के और गर्म करती हूँ खा दूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी खाना, उस ब्लॉग को भी वहीं पर एंड करेंगे बस। Oh, my God.